माइनक्राफ्ट 1.20 अपडेट आ चुका है गेम के अंदर, जिसे आप लोग बहुत ही लेकिन आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी, ये 1.20 अपडेट के बाद माइनक्राफ्ट वो वाला माइनक्राफ्ट नहीं रहा। सुख और शांति हट चुकी है माइनक्राफ्ट के अंदर से, और आपने एकदम सही सुना, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसी अनयूजुअल ऐसी खतरनाक चीज देखी गई है, जो कि मैं आप लोगों को आज माइनक्राफ्ट के अंदर दिखाऊंगा। एंड यस, ये सच है, 1.20 अपडेट एक हॉरर अपडेट है माइनक्राफ्ट के अंदर। ओके, सो वेलकम टू द गेम। तो पहली जो हमारी स्टोरी है, वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि माना ये जाता है कि जो हमारा स्टीव कैरेक्टर है गेम के अंदर, वो पहले ना विलेजर का ही पार्ट था। मतलब मेरा कहने का मतलब है, विलेज के अंदर विलेजर्स रहते हैं। जो हमारा स्टीव है वो भी विलेजर्स के साथ ही रहता था, बट फर्क ये था कि विलेजर्स जो थे उन लोग ने स्टीव को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसकी शक्ल लोगों से अलग थी, विलेजर्स से अलग थी। जस्ट उसका लुक थोड़ा अलग था, वो विलेजर्स की तरह नहीं दिखता था, तो विलेजर्स लोग ने स्टीव को अपने गाँव से हकाल दिया, मतलब भगा दिया, बोला हट, हम लोग के गाँव में मत रह, हम लोग के साथ मत रह। बट इसके अंदर नया क्या है, नया ये है कि माना ये जाता है अगर हम लोग गेम को कट करें तो स्टीव जो है ना वो विलेजर्स को जाके मारता है। मतलब हम लोग गेम नहीं खेल रहे, गेम पे हमारा कंट्रोल नहीं है, नहीं हमारे कीबोर्ड पे कंट्रोल है, हम गेम से एग्जिट ले लिए हैं। जब हम गेम नहीं खेलते, जब हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर ऑफलाइन रहते हैं, तो स्टीव विलेजर्स के पास जाता है और उनको धोता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लोग स्टीव को उनके विलेज में रहने नहीं देते, इसलिए। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे, भाई मैं देखूंगा कैसे कि ये सच है या झूठ है, गेम के अंदर क्या हरकत हो रही है, हम लोग देख ही नहीं सकते अगर हम लोग गेम के अंदर ऑफलाइन है। तो इसके लिए मेरे पास स्पेक्टेटर मोड है, जिसकी मदद से हम लोग गेम ऑफलाइन होते हुए भी देख सकते हैं कि गेम के अंदर क्या चल रहा है। नहीं, काम करता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, विलेज के पास इसको रखेंगे ना हम लोग ना, मैंने विलेज से बहुत दूर रखा है, इसको यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। क्या ये सच्ची में जाके विलेजर को पीटेगा जब हम लोग गेम से ऑफलाइन जाएंगे? तो ये लो, मैंने आपके सामने गेम को कर दिया है कट, मैं गेम से बैक आ चुका हूँ। अभी हम लोगों को स्पेक्टेटर मोड के थ्रू गेम के अंदर स्पेक्टेट करना है ऑफलाइन होते हुए भी कि अंदर क्या चल रहा है। ओके, तो ये आ गया मैं स्पेक्टेटर मोड में, मेरे को तो फिलहाल के लिए ढूंढना है, मैं अभी गेम में मैं ऑफलाइन हूँ, ठीक है, मेरे को कोई देख नहीं सकता भाई, साडा नाल तो सिक्को ही नहीं देखना है अपने को। फाइनली वो चीज हमको दिख चुकी है, यस आपने सही देखा, ये रहा हमारा स्टीव, और मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है करने क्या वाला है, क्योंकि ये बस आजू बाजू देख रहा है। क्या ये सूंघ रहा है? नहीं, मतलब सूंघ के पता कर रहा है क्या कि विलेज है कहाँ? देखो इसको पता नहीं है कि मैं अभी गेम के अंदर स्पेक्टेट कर पा रहा हूँ मेरे स्टीव को कि वो कैसी मूवमेंट कर रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है ये। ओ, इसे विलेज में ढूंढ लिया इतनी जल्दी। अब देखने की बात ये होगी कि इसे विलेज तो ढूंढ लिया है, बट क्या ये उन विलेजर्स को मारेगा? वो है हमारा मेन मुद्दा, वो है हमारी मेन स्टोरी, मेन थ्योरी, मेन हॉरर स्टोरी। विलेज में आके रुक गया फिर से, कुछ कर भाई, मारना है ना तेरे को, तू मारा मारी करने आना है यहाँ पर। ओ, अपने आप रात हो गई है माइनक्राफ्ट के अंदर, क्या ये कोडिंग वीडिंग कर रहा था क्या? क्या रात के अंदर इसके अंदर शक्ति आ जाती है, सुपर पावर? ये बंदा अभी भी तलाश में है कि इसको कोई विलेजर मिल गया, यस। अब इसका रिएक्शन क्या होगा? कि ये क्या सच में उसको मारने वाला है? वो किधर से सडन ऑफ एक लावा बकेट निकाला है, अब क्या करेगा ये लावा बकेट का? या मतलब इसको तड़पा कर मारेगा? मार डाला, इसने सच्ची में विलेजर को मार डाला। मेरे हिसाब से ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक इस विलेज से पूरे विलेजर ना चले जाए, और इसका मतलब ये हुआ यस, ये स्टोरी सच है। गेम क्विट करने के बाद स्टीव सभी विलेजर्स को मारता है, जस्ट बिकॉज वही विलेजर स्टीव को अपनाए नहीं। यार देखो, अभी मैं एक गाना गाने वाला हूँ, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। मेरे को नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, बट बस गा रहा हूँ क्योंकि मुझे गेमिंग के साथ गाना गाना भी पसंद है। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में बेदाग पर ना तुझ में एक भी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माइनक्राफ्ट के अंदर आपको बता रहेगा दो कैरेक्टर है, एक होता है स्टीव और एक होता है एलेक्स। तो ये दो कैरेक्टर हमारे गेम में होते हैं,
लेकिन अगर हम लोग स्टीव कैरेक्टर को गेम से उड़ा दे, मतलब स्टीव कैरेक्टर का फाइल होता है ओके गेम के अंदर, अगर वो फाइल को हम लोग डिलीट करें, उड़ा दे गेम से, तो उसके बाद माना ये जाता है कि गेम के अंदर स्टीव की बॉडी डेड मिलती है हमको, मतलब उसके हाथ अलग, उसका पाव अलग, उसका सर अलग, मतलब कहीं भी उसकी बॉडी पड़ी हुई मिल सकती है, ऐसा माना जाता है। 932 932 932 932 और माना जाता है सिर्फ यही वर्ल्ड में स्टीव की बॉडी, बाकी कोई वर्ल्ड में स्टीव की बॉडी नहीं, सिर्फ यही वर्ल्ड में आपको स्टीव की बॉडी मिलेगी अगर आपने स्टीव कैरेक्टर को डिलीट कर दिया माइनक्राफ्ट। बट ये एक स्टोरी है, अब हमको देखना है क्या ये सच्ची में एक्चुअली में ऐसा होता है। तो छेड़खानी करने के लिए मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के फोल्डर के अंदर, इतना तो मेरे पढ़ाई के फोल्डर नहीं है कंप्यूटर में। ओके ओके, यहाँ पे ये रहा हमारा प्लेयर डेटा, उड़ाओ इस प्लेयर डेटा को, इसमें ही तो है हमारा स्टीव। ये किया मैंने डिलीट, काय पोचे काय पोचे काय पोचे, सुस्वागतम सुस्वागतम, वेलकम बैक टू द गेम। एंड अगर मैं मेरी कैरेक्टर की तरफ देखो तो आहा ला 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 ला, कैटरीना कैफ लग रही है पूरी है। देखो ऑब्वियसली स्टीव डिलीट हो गया तो गेम के पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं, तो डायरेक्टली मुझे एलेक्स कैरेक्टर ही देगा क्योंकि स्टीव तो है नहीं गेम के अंदर। अब मुझे ढूंढना है इस पूरे ब्रह्मांड में जहां पे मिलियंस में ब्लॉक है, करोड़ों में ब्लॉक है, कि एक स्टीव की बॉडी कहां पर अटकी हुई है। मैं को तो इधर ही बोल देना चाहिए भाई, ये बैंकरप्ट स्टोरी है। 2 hours later. Wait, what? क्या मैं वही चीज देख रहा हूं जो ये स्टोरी के अकॉर्डिंग था? What, bro? Are you sure about that? मैंने गेम से स्टीव को क्या निकाल दिया 1.20 अपडेट के बाद? स्टीव का जो ये जो पाव है, आपको लग रहा रहेगा इसके अंदर मॉड विड यूज्ड है, बट ऑनेस्टली मॉड यूज नहीं है। आप लोग जरा ये देखो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो साफ साफ कोई भी मॉड नहीं है। मैं ऑप्टिफाइन में खेल रहा हूँ, यहाँ पे वर्जन भी इवन तो लिखा गया है, बट जैसे हम लोग गेम में जाएंगे, एक मिनट, मैं इसके अगर आजू बाजू और खोदा तो स्टीव की बाकी बॉडी भी मिलेगी या नहीं? लाइक पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है इस दुनिया में भाई। एक दो घंटे के बाद मेरी मेहनत एटलीस्ट क्या है ये? यहाँ पे एक बॉडी, मैंने थोड़ा और खोदा नीचे, फिर से यहाँ पे एक और बॉडी मिली। ये 1.20 अपडेट इतना करप्टेड कैसे है? और ये स्टीव, और ये एग्जैक्टली स्टीव की बॉडी है, ब्लू ब्लू कलर की। ये मात्र एक लौता है ये वाला वर्ल्ड है जिसके अंदर आप लोगों को स्टीव की बॉडी देखने को मिलेगी। ऐसा कोई भी वर्ल्ड है एग्जिस्ट कर ही नहीं, करता ही नहीं है भाई माइनक्राफ्ट के अंदर। भाई रात हो गई है, मैं यहाँ पे कब से खोद रहा हूँ, मेरे बाल 2 घंटे पुराने हो गए, मेरा शर्ट 4 घंटा पुराना हो गया है। मेरे को अभी तक यहाँ पे और कोई बॉडी मिली नहीं है, बट मेरे को लग रहा है ना कुछ तो मिल सकता है ये स्टोरी में, कुछ भी हो सकता है यार इस स्टोरी में। बट यहाँ पे नहीं है यार। एक मिनट, दूरी बना के रख, दूरी बना भाई दूरी। अबे गेम पागल हो गया या मैं पागल हो गया हूँ? मैंने कितना, देखो यहाँ पर एक बॉडी मिली मुझे, वहां पे एक बॉडी मिली, एंड मेरी आवाज कितनी खत्म। मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना, मेरे को कोऑर्डिनेट्स भी नहीं पता। मार मत ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी, नहीं 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 नहीं, मिस्ट्री सॉल्व रह गई, मिस्ट्री अनसॉल्व रह गई, सॉरी अनसॉल्व। ना मेरे को कॉर्ड्स पता, ना मेरे को कुछ पता, मैं जाऊंगा कैसे? अरे यार मैं अगर और ढूंढता ना वहां पे और बॉडी मिलती, चांसेस थे। एंड से ये पता चलता कि ये स्टोरी फैक्ट है, सच्चाई सच्चाई घटना पे आधारित है। अब एक और माइनक्राफ्ट की स्टोरी ये कहती है, अरे भाई साहब माइनक्राफ्ट की स्टोरियां तंग करके रखी है मेरे को, मेरी इतनी नानी ने स्टोरी नहीं सुना रही जितना मैं इधर स्टोरी सुन रहा हूँ। 1.20 अपडेट के बाद सीक्रेटली माइनक्राफ्ट ने नॉच को गेम के अंदर ला दिया है। होता ही है कि अगर हम लोग गेम के अंदर ऑफलाइन चले जाए, गेम नहीं खेल रहे रहते हैं, तो उस टाइम पे स्टीव जम्मू एंड कश्मीर मतलब कि स्नोवी बायोम में जाके कुछ काला जादू करता है एंड नॉच को गेम में बुलाता है। क्या ये बात सच है माइनक्राफ्ट वालो? क्या तुमने सच्ची में नॉच को गेम में लाया है? हाँ 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 हाँ, नहीं 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 सच्ची बोलो, तो आ जाओ इसको देखेंगे। एंड वापस से हम लोग मदद लेने वाले हैं स्पेक्टेटर मोड का, क्योंकि ऑब्वियसली गेम के अंदर अगर हम लोग ऑफलाइन है तो हम लोग तो गेम का कैरेक्टर देख नहीं सकते हैं। एनीवे, तो हम हमारे कैरेक्टर को यहीं पे छोड़ देते हैं, अब जो करना है वो स्पेक्टेटर मोड करेगा। गेम से बाहर निकलो, देखेंगे स्पेक्टेटर मोड के थ्रू कि क्या करता है हमारा स्टीव। अगर से वापस आ गए हम लोग स्पेक्टेटर मोड से देखने के लिए कि क्या कर रहा है हमारा स्टीव। एंड हर बार की तरह नल्ला बेरोजगार, ये ना मेरे को लगता है 5-10 सेकंड तक सोता है, जब से हम लोग गेम लेफ्ट करते हैं ना ये नींद में चले जाता है।
मूवमेंट ही नहीं करता यार ये। ओ करा 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 मूवमेंट करा मूवमेंट करा। तो हम लोग इसको स्नोवी बायो में छोड़ा, मेरे को लगता फिर से एक कुत्तों की तरह सूंघेगा जैसे उसने पहले स्टोरी में किया था। ओके तो ये आजू बाजू देख रहा है, शायद ये परफेक्ट स्पॉट ढूंढ रहा है जहां पे ये काला जादू करके नॉच को बुलाए, मतलब गेम के अंदर। ओ भाई साहब इसकी जो वो है ना निशान बड़ी ऊपर जा रहे हैं, ये देखो कहाँ देख रहा है ये। गेम के अंदर कोई नॉच का फाइल है ही नहीं। अगर आप लोग माइनक्राफ्ट फोल्डर ओपन करोगे और जाके अगर देखोगे कि वहाँ पे कोई नॉच का फाइल है तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं लिख के देता हूँ, ये लो हिमालय को पर्वतों में आ भी गया ये बंदा चढ़ चढ़ के। अभी इसकी जान को सुकून हुआ, देखो एकदम टॉप पर आ गए। इसको लग रहा है माउंट एवरेस्ट चल ले। चल अभी देखता हूँ ये क्या करता है। मस्त है यार, मतलब स्पेक्टेटर मोड से हम लोग देख सकते कुछ भी कि गेम के अंदर क्या हो रहा है ना। गेम लेफ्ट करने के बाद क्या कर रहा है ये, फेंस लगा रहा है आजू बाजू। गया तो इसे पूरा फेंस बांध दिया जो कि एक अच्छी चीज है। चारों कोने में ये स्टीव हेड को डाल रहा है ना। हाँ अरे सच्ची में काला जादू कर रहा है हिमालय के पर्वतों में, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इसके हाथ पे एक नोट ब्लॉक है, नोट ब्लॉक को सेंटर में डाला, एक म्यूजिक डिस्क लिया, म्यूजिक डिस्क को अंदर डाल दिया। अब कर क्या रहा है भाई, ये करना क्या चाहता है। गाना चल रहा है गेम के अंदर, क्या ये गाना बजाकर ये नॉच को बुला रहा है गेम के अंदर, क्या ऐसा कुछ है। गाना बजा और अपने में गेम से लेफ्ट हो गया। क्या नॉच हमें फॉलो अप करता है, क्या हीरो ब्रायनी नॉच है।